तो फाइनली गाइज ये है होंडा की एक्स ब्लेड BS7 2023 मॉडल, होंडा कंपनी की एक रोबोटिक बाइक जिसका लुक आपको काफी स्पोर्टी मिलता है। और 2023 के अपडेट में इसमें आपको कई सारे नए अपडेट मिलेंगे जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके प्राइस की। गौर कीजिएगा ये इसका 2023 मॉडल है, इस वजह से इसकी प्राइस भी अब आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। करंट में जो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको 1,20,731 रुपीज, 1,20,731 रुपए एक्स शोरूम प्राइस मिलेगी प्रयागराज यूपी की। और करंट में जो ऑन रोड प्राइस बनेगी वो आपको 1,45,000 टू 1,50,000 रुपीज, 1,45,000 से 1,50,000 रुपए के बीच में कंप्लीट ऑन रोड प्राइस मिल जाएगी प्रयागराज यूपी की। तो प्राइस आपको लगभग 3,000 से 4,000 रुपए बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। अब इस प्राइस में आपको क्या नया अपडेट मिलता है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये BS7 इंजन के साथ मार्केट में आ चुकी है, तो इंजन से रिलेटेड इसमें कुछ नए चेंजेस किए गए हैं, उसके बारे में हम आपको आगे की वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की। तो फ्रंट में सबसे पहले यहाँ पे आप इसका ब्रेक देखिए, 276 mm डिस्क की साइज देखने को मिल जाएगी, 276 mm डिस्क की साइज आपको मिलेगी और सिंगल चैनल ABS का सपोर्ट इसमें आपको मिलता है। यहाँ फेंडर पे आपको ABS की ब्रांडिंग मिल जाएगी। जो फ्रंट का टायर है वो आपको 80/100 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलेगा, तो टायर आपको ट्यूबलेस मिलेंगे 17 इंच के। और व्हील पे आपको रेड कलर की स्टिपिंग देखने को मिल जाती है जो कि लुक को काफी इनहेंस करता है। साइड में यहाँ पे आपको साइड रिफ्लेक्टर मिल जाता है। और अगर फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में आपको मिल जाता है, सस्पेंशन क्वालिटी काफी बेहतर है। और अगर इसके मेन हेडलैम्प की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है फुल LED सपोर्टेड हेडलैम्प जो कि आपको एक रोबोटिक लुक में देखने को मिलेगा LED DRL लाइट के साथ में। तो फ्रंट से इसका लुक आपको रोबोटिक मिलता है। विजिबिलिटी आपको काफी स्ट्रांग मिलेगी क्योंकि इसमें आपको डुअल पार्टीशन में आपको फुल LED सपोर्टेड हेडलैम्प देखने को मिलता है। LED हेडलैम्प होने की वजह से विजिबिलिटी आपकी काफी स्ट्रांग हो जाती है। LED DRL लाइट भी इसमें आपको मिल जाता है जो कि काफी अट्रैक्टिव लगता है। आपको कितना ज्यादा पसंद आता है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंडिकेटर जो है वो आपको बल्ब वाले इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। ऊपर आपको ब्लैक कलर का वाइजर भी मिल जाता है जिसपे आपको होंडा की ब्रांडिंग भी मिल जाती है। तो फ्रंट से इसका लुक आपको कितना पसंद आता है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। रियर प्रोफाइल में रियर टेल लैंप देखेंगे तो यहाँ पे सिग्नेचर टाइप का LED टेल लैंप रियर में आपको मिल जाएगा। इंडिकेटर को छोड़ के बाकी की सारी लाइट आपको इसमें LED ही देखने को मिलेंगी। अब रियर सेक्शन का ब्रेक देखेंगे तो ये इसका डुअल डिस्क वेरियंट है, तो इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा रियर सेक्शन में भी। 220 mm डिस्क की साइज देखने को मिलेगी बट रियर में आपको ABS का सपोर्ट नहीं मिलता है, डुअल ABS मॉडल इसमें आपको नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आपको डिस्क से काम चलाना पड़ेगा। अगर आप इसका ड्रम वेरिएंट लेंगे तो रियर में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा, ये इसका डिस्क वेरिएंट है। और रियर का जो टायर है वो आपको 130/70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा, तो पीछे वाले टायर की चौड़ाई भी आपको काफी बेहतर मिलेगी, काफी स्पोर्टी लुक इसको प्रोवाइड करता है। और अगर रियर सेक्शन के सस्पेंशन की बात करें तो हाइड्रोलिक टाइप मोनोशॉक सस्पेंशन रियर में आपको मिलेंगे, सस्पेंशन क्वालिटी काफी बेहतर है। टायर के ऊपर आपको हैगर गार्ड भी मिल जाता है। एग्जॉस्ट ब्लैक कलर का मिलेगा जिसपे आपको क्रोम फिनिश में मफलर कवर भी मिल जाता है जो कि जूते को भी काफी अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इंजन की बात करें तो 162.71 cc का इंजन इसमें आपको मिल जाएगा, 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर का इंजन आपको मिलता है। और BS7 इंजन का अपडेट आपको मिलेगा, इंजन की स्मूथनेस काफी बेहतर हो जाती है, होंडा इको टेक्नोलॉजी का आपको इंजन देखने को मिल जाता है, इंजन की स्मूथनेस भी काफी बेहतर रहती है। साथ ही साथ ESP टेक्नोलॉजी भी इसमें आपको मिल जाती है, साइलेंट स्टार्ट विद ACG सिस्टम भी मिल जाता है। मैक्स पावर 13.76 PS का मिलेगा 8000 RPM पे और मैक्स टॉर्क 14.7 न्यूटन मीटर का मिलेगा 5500 RPM पे। पावर और टॉर्क काफी बेहतर है, किसी तरह से लैक नहीं करता है। ट्रांसमिशन में आपको 5 गियर देखने को मिल जाएंगे और साइड स्टैंड में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सिस्टम भी मिल जाता है। अब ये है इसका मेन मीटर कंसोल जो कि आपको फुली डिस्ट्रीब्यूटर कंसोल देखने को मिलता है, एक यूनिक डिजाइन में काफी स्पोर्टी लुक इसमें आपको देखने को मिलेगा मीटर कंसोल में। और सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें डिजिटल देखने को मिलती है जिसमें आपको ओडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर, वॉच, ये सारी चीजें आपको डिजिटल देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसमें आपको DTE यानी डिस्टेंस टू MPT, लाइव एवरेज मीटर, एवरेज माइलेज इंडिकेटर भी मिल जाता है। तो मीटर कंसोल फुली डिजिटल देखने को मिलता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिजिटल मिलती है। स्विचिंग क्वालिटी सेम टू सेम वैसी ही मिलेगी जैसा कि आपको पहले मिलता था, लो बीम, हाई बीम, पासिंग स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच और हॉर्न स्विच। स्विचिंग क्वालिटी को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, काफी सही स्विचिंग क्वालिटी आपको मिल जाएगी। राइट हैंडल बार पे आपको यहाँ पे इंजन किल ऑन ऑफ स्विच के साथ हैजर्ड स्विच और पावर सेल्फ स्टार्ट स्विच मिल जाता है, तो स्विचिंग क्वालिटी काफी बेहतर आपको मिलेगी। फ्यूल टैंक पे देखेंगे तो काफी मस्कुलर फ्यूल टैंक आपको मिल जाएगा, डुअल टोनिंग टैंक पे आपको मिलेगी ब्लैक और रेड कलर का कॉम्बिनेशन। और टैंक पे यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर जैसा लुक देखने को मिलेगा, बट ये कार्बन फाइबर नहीं है, इस चीज का गौर कर लीजिएगा। टैंक काउल भी इसमें आपको मिल
मिलता है, एरोडायनेमिक लुक मिल जाता है, काफी मस्कुलर टैंक मिलेगा और टैंक की कैपेसिटी आपको 12 लीटर की देखने को मिलेगी। और टैंक काउल पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको होंडा की ब्रांडिंग के साथ एक्स ब्लेड की ब्रांडिंग भी मिल जाती है जो कि आपको स्टिक रिंग में मिलेगी। जो मुझे सबसे ज्यादा इसमें अच्छी चीज लगती है वो ये है कि इसके साड़ी गार्ड पे यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कवरिंग देखने को मिल जाती है फाइबर की, जो कि काफी अच्छे से प्रोटेक्ट करता है, व्हील में कपड़े को जाने से रोकने में काफी प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये मुझे काफी सही लगता है कि इसमें आपको फाइबर की कवरिंग भी देखने को मिल जाती है। और सीट कंफर्ट आपको यहाँ पे देखेंगे तो सीट कंफर्ट स्पोर्टी सीट आपको देखने को मिल जाएगी, सीट कंफर्ट भी काफी बेहतर आपको मिलता है, जिसकी वजह से इसको एक अच्छा लुक भी मिलता है और कंफर्ट भी आपको काफी बेहतर मिलता है और आगे आपको स्प्लिट ग्रैब रील भी मिल जाता है। तो ये थी इस बाइक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो और कैसी लगी ये बाइक आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी तरफ से लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।